शेयर कर दिया जाए। हो गई तुमसे? ये ठीक जी मैं आप कर ले रहा हूं। ठीक है अच्छा बच्चों, आप देखिए रेमेडीज में आपने मेरा कल का लेक्चर लिया था, हमने एयर पोल्यूशन की रेमेडीज लिखी थी। तो ये चूंकि एयर पोल्यूशन ही की वजह से हो रही है तो इसकी रेमेडीज में बहुत सारी रेमेडीज रिपीट होगी। आप रिपीट कर लें, पॉइंट लिख लें ताकि चलो दोबारा बार बार रिपीट करने से चीजें होती है। इसकी सबसे पहले रेमेडी क्या होगी? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी यूज करें तो पोल्यूटेंट्स कम एयर में जाएंगे। दूसरा, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? यूज ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर्स इन कार्स। आप ना गाड़ियों में कैटेलिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करें। कैटेलिटिक कन्वर्टर यूरो टेक्नोलॉजी जो होती है वो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं ना उनकी रिडक्शन करती है ये टेक्नोलॉजी, यानी उनके उनको सेफर एंड्स में कन्वर्ट कर देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है कन्वर्टर। तो आपने कैटेलिटिक कन्वर्टर यूज करना है। तीसरा, आपने कौन सी ट्रांसपोर्टेशन यूज करनी है? ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। आपने हाइब्रिड कार्स यूज करनी, कल हमने ये डिस्कस कर लिया था सारा। फिर आपने क्या करना है? आपने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना, ताकि पॉपुलेशन रूट कॉज है पोल्यूशन, तो आपने कंट्रोल ऑन ओवर पॉपुलेशन। फिर आपने क्या करना है? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। आपने जो प्लान करने हैं सिटी उनको सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स पे प्लान कर, अर्बन प्लानिंग कर। फिर मैंने आपको बहुत बेहतरीन इसका अर्थ बताया था पोल्यूशन का, तुमका देखा एक्सेसिव प्लांटेशन, पौधे उगाने हैं, दरख्त उगाने हैं ताकि पोल्यूटेंट्स को रिमूव कर सके। फिर मैंने बताया था 3 R's मेथड, रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। यही सारे मेथड्स गैस रेट को कंट्रोल करने के लिए होता है, क्योंकि ये आप जब यूज करेंगे तो नॉक्सिस और सॉक्सिस एयर में नहीं जाएंगे। हाँ, एक मैं एडिशनल चीज भी कह देता हूँ, अगर आपकी सॉइल में एसिड इकट्ठा हो रहा है, एसिड की डेपोजिशन हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा रेमेडी आप नोट कर लें, वी कैन ट्रीट एसिडिक सॉइल बाई एडिंग इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स। वी कैन ट्रीट एसिडिक सॉइल बाई एडिंग इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स। इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जो सॉइल की नेचर को बदलते हैं, मिसाल के तौर पे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन आप ऐड कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, या आप डोलोमाइट ऐड कर सकते CaCO3.MgCO3। फॉर्मूला बता रहा हूं, बस जरूरी नहीं है क्या फॉर्मूला यार? दोनों से चूना कहते हैं। हाँ, ये संगे मरमर है, चूना वो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का जो पानी होता है, ठीक है ना, ये संगे मरमर है, चूने का पत्थर कह सकते संगे मरमर। तो ये डोलोमाइट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, इस तरह की कुछ आप इनडायरेक्ट फर्टिलाइजर्स ऐड करके सॉइल की एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा रेमेडी है जो आप ले सकते हैं। क्लियर? ये बच्चों आपका एसिड ड्रेन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको 2 मिनट पढ़ ले, फिर अगला टॉपिक स्मोक का मैं आपको स्टार्ट करूँगा, ठीक है? स्मोक दान की हो जाए, दान हो गया तो दान के बाद आप
बच्चों, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू है स्मोक का। सर्दियों में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और ये खतरनाक किस्म का एक पोल्यूटेड है, पोल्यूशन की टाइप है। अच्छा, वैसे स्मोक जो है इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक प्लस फोग एंड फोग। स्मोक और फोग जब आपस में मिल जाए तो क्या चीज बनती है? स्मोक बनता है, ठीक है। स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। लेकिन ये जो इसका मीनिंग है, इसका इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है। सो देखें, याद रखें कि एयर पोल्यूशन की वो टाइप है जो विजिबल है। अगर स्मोक बनी हुई हो तो आपको नजर आती है, बाकी लोग देखें ना एसिड रेन पड़ी होती नजर नहीं आएगी आपको, तो चेक करना पड़ेगा ये एसिड रेन है कौन रेन है, ठीक है ना। लेकिन स्मोक जब बनी होगी तो आपको पता चलेगा ये स्मोक बनी हुई विजिबल काफी होती है। क्या बारिश होती है, काफी बारिश होती है बारिश? होती है, तो एसिड बच्चे बेसिकली एसिड रेन होती है इंडस के लिए, जहाँ बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है। और अगर बारिश कुछ लंबे से हो रही, लंबे से जो कार 2 दिन या डिग्री हो रही है, तो पहले 15-20 मिनट में बारिश होती है ना, वो सारे एसिड सेटल हो जाते, वो इसे रेडियो होती है आमतौर पर। जितनी पोल्यूशन हमारे कंट्री में है वो आप चेक कर लें, उसकी पीएच आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई इसे रेडियो, ठीक है। अगर उसमें बंदा ना आए उसको खारिज शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी, आप तजर्बा करके देख लीजिए अगर मेरी बात में क्लियर हो जाए। वेरी गुड। अच्छा, स्मोक की डेफिनेशन क्या है? स्मोक इज अ विजिबल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन दैट मे कंटेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पैन ओजोन पर्टिकुलेट मैटर्स कार्बन सूट पार्टिकल्स वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेरियस हाइड्रोकार्बन। ये देखिए बच्चों, मैं कितनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये लिख रहा हूं, इसमें मैंने इसकी कंपोजिशन लिख दी है सारा। अच्छा, आगे देखिए, मैंने कहा कि स्मोक एक ऐसा विजिबल टाइप है एयर पोल्यूशन की जिसमें सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, पैन हो सकता है,
ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन सूट यानी कार्बन ब्लैक और आग टाइप के पार्टिकल होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड या कई और तरह के हाइड्रोकार्बन। अभी डेफिनेशन चल रही है पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट ये सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है जो कि एयर में बनता है। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट वो होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के रिएक्शन की वजह से। अच्छा इट इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू the quality of environment and human health. Constant threat. So basically this is basic definition of smoke. ये smoke की proper definition है। स्मोक में सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पैन, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन सूट पार्टिकल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हैं। और ये कांस्टेंट थ्रेट है एनवायरनमेंट की क्वालिटी के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए। इज इट ये इसकी होगी डेफिनेशन, ये होगी इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लिख लें फिर आगे चलते हैं। ठीक चले आगे। दोस्तों आगे आ गए टाइप ऑफ स्मोक। स्मोक की कितनी टाइप्स होती है इसके ऊपर हमें बात करनी है। अच्छा स्मोक की ना दो टाइप्स होती है, एक जो है वो उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस स्मोक और एक इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल्स। तो आज इनके टाइप्स के ऊपर मैं जरा बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये डिटेल से अब बात करेंगे पर इनका कंपैरिजन ये सल्फ्यूरस स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक, ये जो टाइप्स हैं स्मोक की इनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं और इसके बारे से अब जरा बात करेंगे डिटेल से। ये बच्चों याद रखें कि सल्फ्यूरस स्मोक हमेशा पहला बात याद रखिएगा बर्निंग ऑफ कोल की वजह से प्रोड्यूस होती है, बर्निंग ऑफ कोल। इसका मेन जो वजह है वो है बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। जबकि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो होती है ड्यू टू एक्सेसिव ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होगी वहां पे फोटोकेमिकल स्मोक प्रोड्यूस होगी। ये बर्निंग ऑफ कोल की वजह से वो ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा एक बात, दूसरी बात आप याद रखें, ये पहला पॉइंट है जिसमें हमने कंपेयर किया इसको, इसमें इट कंटेन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन सूट पार्टिकल्स। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो फोटोकेमिकल स्मोक है इट कंटेन्स मल्टीपल, इट कंटेन्स मल्टी
पोल्यूटेंट्स, इसमें ना बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, इसमें ओजोन होती है, इसमें पैन भी होता है, इसमें पर्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं, इसमें वेरियस हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें बहुत सारे प्लूटेंट्स और उसमें ये दो प्लूटेंट्स, ठीक है। तीसरी बात, इट इज ब्लैकिश ग्रे इन कलर, इट इज ब्लैकिश ग्रे इन कलर, इसका कलर ब्लैकिश ग्रे होता है, जबकि इसका कलर होता है इट इज ब्राउनिश इन कलर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चूंकि इसमें होता है तो इसलिए ब्राउनिश होती है, ठीक है ना। अच्छा, इट इज फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इस सनलाइट की एब्सेंस में बनती है। इट इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यू टू फोटो केमिकल रिएक्शंस। ये सनलाइट की प्रेजेंस में बनती है, फोटो केमिकल रिएक्शन की वजह से, इसी तरह को फोटो केमिकल स्मोक कहते हैं। समझ आ गई बात? अच्छा, ये चार डिफरेंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके नाम बड़ी इंटरेस्टिंग बात, तो नामों में भी डिफरेंस है। याद रखें, सल्फ्यूरस स्मोक को हम कहते हैं लंदन स्मोक, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में सबसे पहले यूके यानी बर्तानिया में आइडेंटिफाई हुई, तो इसको क्या कहते हैं, लंदन स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक को हम कहते हैं लॉस एंजेलिस स्मोक, क्योंकि ये 19th सेंचुरी में यूएसए में लॉस एंजेलिस में आइडेंटिफाई हुई, ठीक है। इसके अलावा इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक, तो इसको कहते हैं अर्बन स्मोक। वजह बच्चों ये है कि जाहिर बात है कोल की कोयले की बर्निंग ज्यादा कहाँ होती है, इंडस्ट्री में या शहरों में, इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा बनेगी। और गाड़ियां कहाँ होती है ज्यादा, इंडस्ट्रियल एरिया में या शहरों में, शहरों में, तो वो अर्बन स्मोक होगी। इसके अलावा इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग स्मोक, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। वजह बच्चों इसमें होता है सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर स्मोक में, और सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है, जो दूसरे की रिडक्शन कर दे, और इसमें होती है ओजोन, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे पार्टनर की ऑक्सीडेशन कर दे, तो इसलिए ये रिड्यूसिंग स्मोक, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। इसके अलावा बच्चों इसको हम बोलते हैं विंटर स्मोक, क्योंकि ये विंटर सीजन में ज्यादा बनती है, और ये होती है समर, क्योंकि इसको सनलाइट की जरूरत है, तो ये समर सीजन में ज्यादा, इसको समर स्मोक कहेंगे, ठीक है। तो अब मैंने इनके नामों में भी डिफरेंस बता दी क्या वजह, ठीक है, इस तरह से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनके नेमिंग के हिसाब से, ठीक है। अब गौर करें, हमने स्मोक पढ़ा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वरना मैं आपको रिएक्शन भी पढ़ा देता, लेकिन आपको उसकी खैर जरूरत नहीं। अच्छा, आगे हमने पढ़ना है सोर्सेज ऑफ स्मोक, यहां पर हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी,
तो जरा कॉमन सेंस क्या इस्तेमाल करनी है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें और आप भी। एसिड रेन किसकी वजह से हो रही थी? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से। स्मोक के अंदर मेन पोल्यूटेंट कौन सा है? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो फिर सोर्सेज दोनों के कॉमन होते हैं। शाबाश। तो लिख लें यहाँ पे, आप लिख लें कॉमन सोर्स, पेपर में लिख के आ जाएगा कॉमन सोर्स, पेपर में आप सोर्सेस रिपीट कर। पर एक एक्स्ट्रा आपने सोर्स ऐड करना है उसमें, बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो वो इंडिया वाले चलाते हैं और हमारी तरफ आती है और वो बन जाती है, राइट स्मोक। तो ये चीज ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखें कि बुनियादी तौर पे कि ये चीज आपने याद रखना है कि सोर्सेज आर सेम, जो एसिड रेन के सोर्सेज हैं वही सारे इसके सोर्सेज रिपीट कर रहे हैं आप। बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट वो ऐड करना। अच्छा, अब जब सोर्सेज सेम है, जी बच्चे को पूरा वैसे ही लिखना है जैसे एसिड रेन लिखा, क्योंकि ये सवाल लेता है वो लेता है, अगर इकट्ठे भी आ जाए तो उधर भी वो सोर्सेज लिखने, इधर भी ये कोई लिख रिपीट कर रहे हैं इधर। अच्छा, अगर सोर्सेज सेम है तो फिर कंट्रोल भी सेम होगा, यानी सोर्सेज और कंट्रोल में यार वही लिखने हैं जो आपने पिछले इसमें लिखे, इफेक्ट्स इसके डिफरेंट होंगे क्योंकि वो रेन है और ये स्मोक है। अब इफेक्ट्स क्या होंगे वो नोट कर रहे हैं बच्चे। एयर पोल्यूशन तो बड़ा फिनोमेनन है ना, ये बच्चे हैं एयर पोल्यूशन, ठीक है ना, एयर पोल्यूशन मदर है उनके, ये बच्चे हैं जो आगे हैं, ठीक है। कहते हैं बुरे ना मारो बुरे दी मानो मारो, एयर पोल्यूशन खत्म करोगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात ये है कि बुनियादी तौर पे जो एयर पोल्यूशन की रेमिडीज है वही रेमिडीज जो चाहती है आगे, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन ही के इफेक्ट्स है ना। अच्छा, लेकिन इसको हमने डिटेल से पढ़ना शुरू कर दिया, अब इसके इफेक्ट्स पढ़ लें। स्मोक का पहला इफेक्ट ये है कि नोट कर लें कि स्मोक कैन कॉज infections of eyes, nose and throat. Smoke can cause infections of eyes, nose and throat. बच्चों गला आंख और नोज की जो अपना इंफेक्शन है उसको ये कंट्रोल कर, मतलब कॉज कर दी। इसके अलावा लंग्स डैमेज लंग्स को डैमेज करती है स्मोक। इसके अलावा स्किन इंफेक्शन भी कॉज करती है। इसके अलावा कार्डियो वैस्कुलर डिजीजेस एंड बर्थ प्रॉब्लम्स, दिल की बीमारियां और बर्थ से रिलेटेड जो खवातीन को बीमारियां होती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ये भी कॉज करती है। अब नॉर्मल बर्थ स्मोक की वजह से होती है। अच्छा, इसके अलावा प्रीमैच्योर डेथ्स, ड्यू टू रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस की बीमारी की वजह से, जो यूरोपियन कंट्रीज में खासतौर पर यूथ की डेथ हो रही है बहुत ज्यादा सांस की बीमारी की वजह से, उसकी बहुत बड़ी वजह ये स्मोक का बनना है, स्मोक फॉर्मेशन। अच्छा, इसके अलावा बच्चों इट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रिकेट्स, ये नोट कर लें बच्चों। रिकेट्स, रिकेट होती है हड्डियों की बीमारी, हाँ। तो ये जब स्मोक बनी होगी ना तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा तो रिकेट्स की बीमारी होगी। तो ये जो स्मोक है इससे विटामिन डी नहीं बनता और रिकेट्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, थ्रेट्स बढ़ जाते हैं। रिकेट्स स्मॉल चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में, चिल्ड्रन होती है स्मॉल है, जिसको कहते हैं रीडेंडेंसी, जो आपने की है, ठीक है। Small children is grammatically wrong sentence, wrong structure.
स्मॉल चिल्ड्रन, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं इन्फेंट्स, ठीक है, स्मॉल चिल्ड्रन कुछ नहीं होता। अच्छा अब इसके बाद एक और बट सबसे बड़ा इशू, रोड एक्सीडेंट्स एंड प्लेन क्रैश, रोड एक्सीडेंट्स एंड प्लेन क्रैश। बच्चों ये एक बहुत बड़ा इशू है, जब स्मोक के महीने होते हैं तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप देख ले पिछले साल भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए उस पे मोटरवे पे, और सियालकोट वाला जो मोटरवे है वहां पे तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। नोट कर लें, स्मोक कॉजेस जीरो विजिबिलिटी, तो जीरो विजिबिलिटी होगी तो जीरो, हाँ जी जीरो विजिबिलिटी, क्योंकि नजर नहीं ना आता। ये ऐसे ही है ना कि एक बंदा जो था गाड़ी चला रहा था, उसने ब्रेक लगाई तो पीछे गाड़ी आकर उसमें लग गई था, फिर ये स्मोक हो जाता, फिर तीसरी चौथी पांचवी छठी वो सारे बाहर आए उसे, और ने कहा ये पहले वाला बंदा उसको पकड़ गया, वो उसको पहले वाले वो कहते कहते तूने ब्रेक क्यों लगाई, कहता पाजी मैं तो अपने गैराज ब्रेक लगाई उसी पीछे जो स्मोक थी ना नजर नहीं आ रहा था, वो तो अपने गैराज में था, गाड़ियां उसके पीछे आ रही, ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है। थैंक यू जी, ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ गई है।